एवरीवन, मैं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ मेल स्प्रेस, यानी कि जो टाइम बढ़ाने वाला स्प्रे होता है उसके बारे में। क्या ये सचमुच काम करता है? क्या ये जो स्प्रे होता है ये इतना इफेक्टिव होता है? क्या ये पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ को डेवलप करने में मदद करता है? चलिए इसी के बारे में ही हम एलिब्रेटली बात करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल स्प्रे हो या टिश्यू पेपर हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बहुत ही छाई हुई है और इसका इस्तेमाल भी भर के हो रहा है। तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उसी के बारे में ही इस वीडियो में हम एलिब्रेटली बात करने वाले हैं। शॉर्ट होगी बट डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अंत तक देखिए। देखिए, बात करते हैं पहले कि ये जो मेल स्प्रे होता है वो किस लिए काम करता है। देखिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को रोकने के लिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने के लिए, या फिर जल्दी गिरने की समस्या को थोड़ा सा मतलब टाइम को थोड़ा बढ़ाने के लिए एक्चुअली ये जो स्प्रेस होते हैं वो काम करता है। जो मॉडरेट स्प्रेस होती है यानी कि जो अच्छी क्वालिटी की होती है उसमें लिडोकेन होता है। लिडोकेन क्या है? वो एक लोकल एनेस्थेसिया होता है जो पुरुषों के पेनाइल जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और उसको नम कर देता है। पेनाइल जो मसल्स होते हैं उसको नम कर देता है, जिससे टाइम भी बढ़ जाती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो तो रिड्यूस हो जाती है, जिससे वजह से काफ़ी सारे पुरुषों में पॉजिटिवली ये पाया गया है कि उनकी जो टाइम है सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। चलिए, ये तो बात कर ली कि ये मेल स्प्रे क्या है, अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बोला लिडोकेन स्प्रे होता है, इसमें लिडोकेन जो कंपाउंड होता है वो लिडोकेन होता है। ये लिडोकेन जो होता है ये आपके जो पेनाइल मसल्स होते हैं उसके ऊपर पहली बात तो लेयर बना देता है और ये लेयर बनने की वजह से जो सेंसेशन होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और साथ ही साथ फ्रिक्शन कम लगने की वजह से डिस्चार्ज भी थोड़ा लेट हो जाता है। अब काफ़ी सारे पुरुषों ने जिसने इसका इस्तेमाल किया शुरू शुरू में ये बड़ा मज़ेदार लगता है, क्योंकि जिसका 30 सेकंड में गिर जा रहा था अब 2 मिनट तक वो डिस्चार्ज नहीं करते, जिसका पहले 5 मिनट में गिरता था अब वो 10-10 मिनट तक सेक्स कर पाते हैं। तो शुरू शुरू में ये काफ़ी मज़ेदार होता ज़रूर है, पर दोस्तों ये जो स्प्रेज होते हैं ना ये किसको यूज़ नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली उसको नहीं यूज़ करना चाहिए जिसको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं ना जिसका टाइम बिल्कुल सही, अरे भाई इंडियन टाइप 5 मिनट से ज़्यादा फ्रिक्शन देने का नहीं होता, 5 से 7 मिनट इज मोर देन एनफ। आप अगर फोरप्ले कर रहे हो फिर पेनिट्रेट कर रहे हो फिर फोरप्ले कर रहे हो फिर पेनिट्रेट कर रहे हो तो इससे तो 20-25 मिनट हो जाता है। कंटिन्यूसली पेनिट्रेशन 10 मिनट कर लोगे ना हाफ जाओगे, इसलिए इंडियन जो पुरुष होते हैं मेल होता है ना 5 से 7 मिनट इट आइडियल होता है। तो अगर वो पुरुष जिनका ये टाइम रेंज है वो क्या करते हैं, अरे भाई मैंने तो वो वेब वीडियोस में देखा था कि 30-30 मिनट तक लगातार करते जा रहे हैं, मुझे भी करना है, तो उसने स्प्रे मार ली। अब डेफिनेटली इससे ना सेंसिटिविटी कम हो जाती है, नम हो जाती है, तो जिस वजह से उनको कोई सेंसेशन फील ही नहीं होती और उसके बाद फिर टाइम बढ़ जाता है। दोस्तों जब वो जो नॉर्मल है जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो जब रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो उनकी जो नॉर्मल सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, पहली बात तो उनको सेक्स में कोई मज़ा नहीं आता, कोई फीलिंग नहीं आती, डिले इजैकुलेशन की उनको शिकायत हो जाती है, और चौथी बात रेगुलर इसका इस्तेमाल जब वो करते रहते हैं ना तो उनकी जो वेन्स होती है नर्व्स होते हैं जो सही था वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए वो लोग जो स्वस्थ हैं तंदुरुस्त हैं उनकी सेक्स लाइफ बढ़िया है वो इसको छुए भी नहीं। और रही बात उन लोगों की जिनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है जिनको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो भी इसको मॉडरेट अमाउंट में ही इस्तेमाल करें। और डेफिनेटली जब भी वो मेल स्प्रे खरीदे, कोई ऐसा स्प्रे खरीदे जो डिले स्प्रे नाम से मार्केट में बिकता है या वाइप्स भी आते हैं या कॉन्डोम भी आता है, कॉन्डोम खासतौर से हम इतना इस्तेमाल करते नहीं हैं, खैर खासतौर से इंडियन बॉयज़ जो स्प्रे आता है तो वो लोग भी ना मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें और वो अल्कोहल फ्री होनी चाहिए, पैराबेन फ्री, कलर फ्री, केमिकल फ्री, नॉन एडिक्टिव होनी चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए ताकि किसी भी साइड इफेक्ट आपको ना हो। सिर्फ लिडोकेन होने से नहीं चलेगा, वो मस्ट भी अल्कोहल फ्री होनी चाहिए, वो मस्ट के वो पैराबेन फ्री होनी चाहिए, मस्ट के वो केमिकल फ्री और कलर फ्री होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए सेफ़ एंड सिक्योर
हो सकता है, अदरवाइज वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये केमिकल्स आपके पेनाइल जो मसल्स होते हैं वो पतले होते हैं, अंदर जाके आपके मसल्स को डैमेज करेगा, आपके वेंस को डैमेज करेगा, उसके बाद आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो जाएगी। तो इसीलिए और जिनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है वो शुरू शुरू में ना इसका इस्तेमाल करिए, और साथ ही साथ ना वो अपने लिंग की रोज़ाना नारियल तेल से मालिश करे, उसके साथ थोड़ा सा लौंग ऑयल मिला ले, इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी और इससे पेनाइल स्ट्रेंथ भी जो है वो डेवलप करेगा, जो हेल्थ है डेवलप करेगा, आप हेल्दी रहोगे और इससे फ्रिक्शन टाइम भी बढ़ेगा। दोस्तों ये जो चीज़ें मार्केट में आती है, ये जो चीज़ें लोग बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, ये किसी पर्पस से बनाते हैं, बट कुछ भी ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो मेल स्प्रे होते हैं ये वर्क तो करता है, काम तो करता है, बट जो स्वस्थ है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जिनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है, वो शुरू शुरू में इसको मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अश्वगंधा है, साथ ही साथ गोक्षुरा है, शतावरी है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को साइकोलॉजिकली रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ वो रोज़ाना अपने लिंग की मालिश करें कोकोनट ऑयल से, या फिर उसके साथ लौंग ऑयल मिला के मालिश करें, इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है, पेनाइल मसल जो होते हैं वो स्ट्रेंदी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस बात से कितना सहमत हो, क्या सोचते हो, मेल करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।